हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं जिसके जरिए आप बहुत ही इजी तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जैसे काइन मास्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, वीवा कट प्रो हो गया, ब्लॉग यू हो गया, ब्लॉग इट हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, इसमें आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से एडिट करना आ जाएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, काइन मास्टर से भी ईजी तरीके से। काइन मास्टर में तो आप समझ जाइए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसका ट्यूटोरियल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो को और देख लेते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस एप्लीकेशन का नाम है पावर डायरेक्टर। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आएगा। और इसका प्रो वर्जन इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़े पैसे देने होंगे। जी हाँ, लेकिन हम आपको बता दें कि YouTube पर बहुत सारे हैक दिए गए हैं जिसके जरिए आप इस एप्लीकेशन को फ्री में ले सकते हैं। इसका प्रो वर्जन भी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सभी वीडियो का आप जाकर देख लीजिएगा कि कैसे आपको प्रो वर्जन फ्री में लेना है या फिर आप पैसे देकर खरीद लीजिएगा अगर आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमें साइज देखना है, आपको जिस रेशियो में वीडियो बनाना होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे 16:9 में वीडियो बनाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और ऊपर अपने वीडियो का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना वीडियो का नाम लिख देते हैं, जो भी हमारे वीडियो का टॉपिक होगा, और यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आएगा। और जो वीडियो आपको एडिटिंग करना होगा, जिस वीडियो को आपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है, उसको यहाँ पर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें इस वीडियो को एडिट करना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेंसिल का निशान यहाँ पे साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ ऊपर देख लीजिए। और कलर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और ब्राइटनेस आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे आपको इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, तो फिल्टर भी आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद से हम बैक आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है क्रॉप का ऑप्शन, क्रॉप भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से आप अपने वीडियो का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे रिवर्स वाला भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और मान लीजिए अगर आपको वीडियो कट करना है तो थोड़ा सा स्लाइड करिए, मान लीजिए हमें यहाँ से अपना वीडियो कट करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए हमारा वीडियो कट हो गया है। और यहाँ से हम जो भी पार्ट चाहें ईजिली जहाँ से भी काटना चाहें, यहाँ से फिर हमें क्लिक करना है, एक बार और कट करना है और यहाँ पे बीच वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हम अपने वीडियो को एडिट कर पा रहे हैं। उसके साथ ही मान लीजिए अगर आपको कुछ फ़ोटो लगाना है वीडियो में, अपने वीडियो के लिए कोई लोगो लगाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए बीच वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। और इमेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद से आप अपना लोगो यहाँ से इजीली लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना लोगो इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आपका यूट्यूब लोगो होगा यहाँ से आप इजीली सेट कर सकते हैं। नीचे आप चाहें तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पीछे लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर हम वीडियो भी लगा सकते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो लेयर लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। उसके साथ ही अगर हम इफेक्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे कट किए हैं इसमें आप कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे देख लीजिए हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, तो अगर हम वीडियो प्ले करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं,
तो यहाँ पे देख लीजिए हम वीडियो प्ले की है और यहाँ पे देख लीजिए जो इफेक्ट हमने लगाया है कुछ इस तरह से हम इसमें इफेक्ट भी इजीली लगा सकते हैं। तो इसमें आपको वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रोकते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर हम पहले ही वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से हमें म्यूजिक का ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने गैलरी से कुछ भी कोई भी म्यूजिक यहाँ पे नीचे आप लगा सकते हैं जो कॉपीराइटेड ना हो। जैसे NCS से म्यूजिक आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कोई म्यूजिक लगा दीजिएगा ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे जो नए यूट्यूबर हैं उनको कोई भी म्यूजिक नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपीराइट का खतरा रहता है। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि कोई म्यूजिक ना यूज करें, सिंपली इसी का इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट अपने वीडियो का यूज करिए, कोई भी म्यूजिक ना लगाएं ताकि आपको कॉपीराइट का कोई झंझट न रहे। उसके बाद से मान लीजिए अगर आपने वीडियो में कुछ गलती कर दी तो यहाँ पे साइड में जो यहाँ पे निशान आपको दिखाई दे रहा है साइन के नीचे की तरफ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए बैक भी हो जाएगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको अपना वीडियो कैसे सेव करना है। तो ऊपर यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी करना है और यहाँ से आप किस क्वालिटी का वीडियो चाहते हैं, अल्ट्रा HD, फुल HD या फिर HD या फिर SD, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वीडियो बना लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमको फुल HD में चाहिए, अल्ट्रा HD नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से प्रोड्यूस कर देना है। प्रोड्यूस करने के बाद से यहाँ से कुछ टाइम में वीडियो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से इसमें आप अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।